हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपा, मेरी माँ की रेसिपी से। और फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ ये देखिए सूखा निमोना। जी हाँ दोस्तों, ये चुनार यानी कि यूपी की बहुत ही फेमस रेसिपी है सूखा निमोना। इसे आप निमोना का भुजिया भी कह सकते हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों खाने में। और बहुत ही कम सामानों से और बहुत ही कम मसाला से बन के ये तैयार हो जाते हैं और आपको ये पसंद बहुत आएंगे दोस्तों। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप देख लीजिए इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो देरी करते नहीं है दोस्तों, चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को अच्छा से गर्म कर लेंगे ताकि ये सब्जी कुछ भी बनाए तो ये चिपके नहीं। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुके हैं हमारे। इसमें हमने 2 चम्मच डाल दिए हैं सरसों का तेल, साथ में हम दे देंगे 1 लाल मिर्च सूखा, तोड़ के डालिएगा दोस्तों। उसके बाद दे देंगे थोड़ा सा यानी कि 1/2 चम्मच जैसा जीरा। और ये देखिए हमने 2 आलू लिए हैं काट करके, ये छोटे छोटे टुकड़ों में काटे हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ये मटर साइज का है। और हमने 1 कटोरी मटर लिए हैं और 1 कटोरी हमने आलू लिए हैं, दोनों बराबर मात्रा में हैं। तो आप मटर थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि निमोना बना रहे हैं दोस्तों। तो ये देखिए सारे मटर को हमने डाल दिए हैं, सारे आलू डाल दिए हैं और इसे हम थोड़ा सा हल्का सा चला लेंगे। ये देखिए हल्का सा चला लेने के बाद इसमें हम दे देंगे हल्दी 1/2 चम्मच जैसा, साथ में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। और नमक डाल के थोड़ा सा इसे भून के पकाएंगे, यानी कि हल्का भुनना है, इसे ज़्यादा नहीं भुनना है क्योंकि मसाला भी इसमें ऐड करना है अभी। तो ये देखिए तब तक हम इधर मसाला पीस लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए हमने लिया है आधी जीरा गोलकी और लहसुन और 1 लाल मिर्च। तो हमने 1/2 चम्मच जीरा लिया, 1/2 चम्मच गोलकी लिए हैं और 1 इंच अदरक है, ये थोड़ा सा ही मसाला है। इसमें हम पानी एकदम नहीं डालेंगे, ये सूखा ग्राइंड करेंगे। ये देखिए दरदरा है ये पूरा, ये देखिए पूरा दरदरा है, ये ऐसा ही रखेंगे। इसमें पानी हमने नहीं मिलाया है, बस इसे ही हम प्लेट में निकाल लेते हैं अच्छा से। तो ये देखिए सारे निकल चुके हैं, बस इसे ही हम डाल देंगे इस मसाले भुजिया में। तो भुजिया देखिए हल्का भुना हुआ है, ज़्यादा भुना हुआ नहीं है ये। तो बस इसे हम डाल के अच्छे से मिला लेते हैं और अच्छे से मिल जाने के बाद इसे हम ढक करके थोड़ा पका लेंगे। ये ढक करके 2-3 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेते हैं। तो आँच कम कर देते हैं मीडियम पूरा, ताकि हमारा जो मटर है और आलू है अच्छे से बॉयल हो जाए, सीज जाए। तो ये देखिए अच्छे से ये भुना चुके हैं, ये देखिए मटर भी अच्छे से सीज गया है और आलू भी अच्छे से पक गए हैं दोस्तों। ये देखिए मैं काट के आपको दिखाती हूँ, ये अच्छे से हो चुके हैं। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे 1 कप जैसा, ऐसे पक जाने पानी डालने के बाद इसे भी फिर हम इसे ढक के 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये जो पानी है वो सूख जाए, क्योंकि ये पूरा सूखा निमोना बना रहे हैं दोस्तों। तो ये देखिए 2-3 मिनट लगे हमारे और ये देखिए हमारे निमोना बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए अच्छे से भुना चुके हैं, ये पूरा सूखा सूखा बना है दोस्तों। ये ग्रेवी नहीं अच्छे लगेंगे, सूखा ही बनाइएगा क्योंकि इसके भुजिया बना रहे हैं हम। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं और इसकी अब प्लेटिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए प्लेटिंग करने के बाद इसे आप सर्व कीजिएगा, यानी कि आप इसे खाइएगा तो पूड़ी के साथ में या फिर पराठा या फुलके के साथ खाइए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये नाश्ता भी बना के खाइए तो बच्चे लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे क्योंकि इसमें मटर हल्दी है ये। तो दोस्तों ये आप बताइएगा ज़रूर सूखा निमोना आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स सब समय आ गया टिप्स का, अगर आपको मेरे टिप्स यूजफुल लग रहे दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, मैं और भी अच्छे आपको टिप्स भी दिखाने वाली हूँ दोस्तों। तो आज का टिप्स है दोस्तों घरेलू उपाय। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बदन में कहीं पर भी दर्द हो, अचानक से दर्द आ जाता है या फिर हमेशा दर्द रहता है, आप दवाई खाना नहीं चाहते हैं या दवाई भी ज़्यादा नुकसान करता है दोस्तों खाने से, तो आप दवाई नहीं खाना चाहते हैं तो मैं एक उपाय बताऊंगी, इसे करने से बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा दोस्तों। ये देखिए हमने लिया है सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, सरसों का तेल मालिश करने के लिए बहुत अच्छा होता है और ये हर घर में मिल जाते हैं। तो ये देखिए आप तेल ले लीजिएगा अच्छा सा, उसके बाद आप ले लीजिएगा 1 चम्मच जैसा अजवाइन और 2-3 लहसुन लिए हमने, जिसे हम छोटे टुकड़ों में हमने काट के इसे डाल करके इसे हम पका लेंगे। तो ये देखिए तो लहसुन तो डाल के पकाया जाता है, लेकिन साथ में आप अजवाइन डाल दीजिएगा और इसे अच्छे से पका लेने के बाद, अच्छे से लहसुन लाल हो जाने के बाद, आप जिस जगह पे आपको दर्द है पीठ पे, कमर पे या फिर हाथ में या फिर एल्बो में, मतलब ठेवना में जो होता है उस जगह में कहीं पे भी दर्द है, बस उसमें अच्छे से मसाज कर लीजिएगा। तेल आपका गुनगुना होना चाहिए दोस्तों, बस इसे मसाज करने के बाद देखिएगा आपका दर्द है झट से गायब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत जल्दी असर करता है, बहुत अच्छा उपाय है ये, आप ये दर्द में ज़रूर लगाइएगा और आपको पसंद आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको खुजली भी हो रही है, अगर बदन में कहीं खुजली भी हो गया है, रेशे हो गए हैं, तो या फिर आप उसमें नारियल तेल और कपूर मिला के लगा सकते हैं, या फिर आपका पित्ती उछल जाता है तो आप सिंदूर और नारियल का तेल मिला के लगाइएगा उस जगह में, तो बहुत जल्दी असर करता है दोस्तों।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरे टिप्स या रेसिपी अच्छी लग रही है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, टिप्स या रेसिपी अच्छी लग रही है दोस्तों, तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।